प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का जन्मदिन आज बड़वानी में आशा ग्राम की पहाड़ी पर पौधारोपण कर मनाया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का जन्मदिन आज बड़वानी की आशा ग्राम पहाड़ी पर कैबिनेट मंत्री एवं पशुपालन मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने पौधारोपण कर मनाया। दरअसल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल, बड़वानी कलेक्टर डॉक्टर राहुल फटिंग, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री बलवंत पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष अश्विनी निकू चौहान सहित जनप्रतिनिधियों द्वारा रविवार को मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिवस के अवसर पर आशा ग्राम पहाड़ी पर पौधारोपण किया। पौधारोपण के पश्चात केक काटकर माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिवस मनाया गया। वहीं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के जन्मदिवस पर वृक्षारोपण करने का संकल्प भी लिया गया। हमारे देश का प्रदेश का मुख्यमंत्री नामी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उनकी बेटी और बेटों का मामा भी है। आज उनका जन्मदिन है। जन्मदिन पर बड़वानी के सभी पार्षदगण और वरिष्ठ नेता लोग भी आज भारतीय जनता पार्टी के बड़वानी आशाग्राम टेकड़ी पर आज उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। जन्मदिन पे सभी लोगों का ये कहना है कि हमारा मामा अच्छा स्वस्थ रहे और अच्छा विकास करे, यही हमारा सबका निवेदन भी है और धन्यवाद भी देते हैं कि अच्छा काम कर करे, अगली बार भी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने। उनके नाम से वो तो चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में पौधारोपण किया जाए। आज हम लोगों ने करीब 100 लोगों ने पौधे लगाए हैं। वृक्षारोपण का कार्यक्रम करा है यहाँ पर, और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मामा जी को जन्मदिन की बधाई। और उन्होंने आज 5 मार्च है और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज उन्होंने लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ सभी बहनों की तरफ से। लाडली बहना योजना चलाकर बहनों का जीवन संवारा है, अगला CM सिर्फ मामा होगा, दूजा नहीं गवारा है। धन्यवाद। कल 6 मार्च को बड़वानी जिले के जनपद पंचायत पाटी की ग्राम पंचायत जुना जिला में माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का प्रस्तावित दौरा था। वहीं आज कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री जी का यह दौरा निरस्त हो गया है। कल से भगोरा पे जुना जिला में CM साहब आने वाले थे, क्या हुआ? देखो, CM साहब को एक जगह नहीं है, उनका पूरा प्रदेश लगा है। उन्होंने बोला था आने के लिए पर समय को देखते हुए कैंसिल हुआ है। RPTV न्यूज की खबर पाने के लिए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और RPTV न्यूज की खबर को लाइक शेयर करें। जय